हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आज के दौर में पहले की तुलना बॉलीवुड इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग का ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो दर्शक भी इस तरह के गानों को अश्लील न मानते हुए मनोरंजन के तौर पर लेने लगे हैं। तभी तो अब वे फिल्म जगत की बड़ी अभिनेत्रियां भी ऐसे गानों पर डांस करने से हिचकिचाती नहीं है। इतना ही नहीं, आइटम सॉन्ग्स ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट करवाने का फंडा बनते हैं। यही वजह है कि हमेशा ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी फिल्म में आइटम सॉन्ग्स रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसा होने पर अभिनेत्रियां भी कोई कम रकम नहीं मांगती हैं। खबरों की माने तो इस तरीके के गानों पर डांस करने के लिए ज्यादातर हीरोइन काफी सारा पैसा लेती हैं। तो आइए जानते हैं कि अभिनेत्रियां आइटम सॉन्ग के लिए कितने पैसे लेती हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा आज टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार। प्रियंका भी रामलीला शूट, आउट एट वडाला जैसी फिल्मों में आइटम सॉन्ग का जलवा बिखेर चुकी हैं। खबरों के मुताबिक प्रियंका एक आइटम सॉन्ग करने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए लेती हैं। जैकलीन फर्नांडिज भी नेत्री। जैकलीन फर्नांडिज ने अभी तक केवल एक ही आइटम सॉन्ग किया है। फिल्म थी प्रभुदेवा की रमैया वस्तव्या। इस गाने पर जैकलीन को डांस करता देख फैंस भी हैरान रह गए थे। बता दें कि जैकलीन ने इस गाने के लिए 40 लाख रुपए लिए थे। करीना कपूर खान बॉलीवुड की मशहूर एक्टर करीना कपूर खान का नाम टॉपर अभिनेत्रियों में शुमार है। जहां केवल एक फिल्म करने के करीना 10 से 15 करोड़ रुपए लेती हैं, वहीं केवल एक आइटम सॉन्ग करने के लिए वे 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। सनी लियोन बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेस में शुमार। सनी लियोन को बेबी डॉल सॉन्ग को करने के लिए 25 लाख रुपए मिले थे। एक के बाद एक हिट आइटम नंबर देने वाली सनी अब हर आइटम सॉन्ग के 3 करोड़ रुपए वसूल करती हैं। मलिका शेरावत आइटम नंबर क्वीन कहलाने वाली मलिका शेरावत ने अभिषेक बच्चन स्टार फिल्म गुरु में माइया माइया किया था। इसे हर तरह के दर्शकों द्वारा पसंद किया गया था। मलिका हर आइटम सॉन्ग के लिए 1 करोड़ रुपए लेती हैं। मलाइका अरोरा छैया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मलाइका अरोरा ने मुन्नी बदनाम हुई से एक बार फिर बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग के चलन को ताजा किया था। मलाइका एक गाने के लिए 1 करोड़ रुपए वसूलती हैं।